हेलो दोस्तों, आज हम कटिंग करेंगे पजामे की। सबसे पहले ऊपर से कपड़ा सीधा करेंगे। अब यहाँ से 2 इंच नेपे के लिए निशान लगाएंगे और इसको सीधा करेंगे। यहाँ से लगाएंगे लंबाई का निशान, नेपे के निशान से लंबाई है इसकी 34.5। 34.5 पर निशान लगाएंगे। इसको सीधा करेंगे। अब नीचे मोरी के लिए मार्जिन दे देंगे। मोरी इसकी है 12 12 मोरी में हम लगाएंगे 6 और मार्जिन देंगे। मार्जिन में इसमें 1 इंच का दूंगा ताकि मैं आगे लूज़ कर सकूं, टाइट अगर हो जाए तो। आसन लगाएंगे इसका 14 इंच पर और इसको स्ट्रेट कर लेंगे। अब इसका घेर मैं दूंगा 14 का, 14 घेर दूंगा इसको। अब से फंटी से इस तरीके से रख करके सेव दे देंगे। दोस्तों, मैंने अपने चैनल पर सदरी वेस्टकोट वगैरह की कटिंग भी डाल रखी है। जो भाई नहीं देखे हैं वो जा करके देखें, पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखो दोस्तों, ये जेब का निशान लगाने का सरल तरीका है। जितना हमें नेपाल लौटना होता है उतना इस तरीके से लौट लेंगे और इसके आधा या 1.25 इंच नीचे निशान लगाएंगे। यहाँ से पॉकेट बनेगी, यहाँ से बनाऊंगा मैं पॉकेट 6 इंच का। ये आपके पॉकेट के निशान हो चुके हैं। आपका पजामा जेबदार कंप्लीट है। चाहें तो आप पॉकेट लगाएं, ना चाहें तो आप सादा बना लें। रुमाली काटेंगे दोस्तों, इस तरीके से कपड़ा रखेंगे और कोने की तरफ इस तरीके से मोड़ लेंगे। लगभग 8 इंच की रुमाली ठीक रहती है नॉर्मल साइज में। चौड़ाई इसकी लगभग 6 इंच बहुत है। इसको इस तरीके से लकीर के काट लेंगे। आपकी रुमाली कंप्लीट है।